अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके साथ मैं बात करना चाहूँगा जो हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से बहुत सारे दोस्त फेसबुक पे, लिंक्डइन पे जॉब के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं और वो बग़ैर सोचे समझे कि उनका प्रोफेशन लेट सपोज अकाउंटिंग है तो एक सेल्स मैनेजर को लिख रहे होते हैं कि किसी भी सूटेबल जॉब के लिए मुझे अपनी कंपनी में रेफ़र कर दो, कुछ भी कर दो। बिला वजह बग़ैर सोचे समझे जितने लोग उनको सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं किसी अच्छी पोजीशन पे काम करते हुए, उनको अपने सीवी भेजते रहते हैं। यहाँ तक कि वो सीवी में सब्जेक्ट लाइन नहीं लिखी होती, अपनी डिटेल्स नहीं होती, कवर लेटर नहीं होता, सीवी किसी और प्रोफेशन के लिए बना है, किसी और पोजीशन के लिए बना है और किसी और टाइप की कंपनी में, किसी और टाइप के डिपार्टमेंट में, किसी और पोजीशन के लिए भेज रही होता है। इससे क्या होता है, वक्त ज़ाया होता है, एनर्जी ज़ाया होती है, रिसोर्स ज़ाया होते हैं और सबसे ज़्यादा वो शख्स फ्रस्ट्रेट हो जाता है एक महीने के बाद कि मैंने तो 1600 लोगों को कांटेक्ट किया जॉब के लिए रिक्वेस्ट की, कोई मुझे कॉल ही नहीं आती। कॉल कैसे आए, क्यों कॉल करें वो आपको? इसलिए कि आपको जॉब की ज़रूरत है, हमदर्द का दवाखाना तो नहीं है, क्योंकि आपने जॉब आपको चाहिए वो आपको पे करेंगे उस वक्त जब विन विन सिचुएशन होगी। कोई भी शख्स जो मुझे कांटेक्ट करते हैं जॉब के लिए, जब मैं उनको कहता हूँ पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करें, वो कहते हैं नहीं पहले नौकरी चाहिए फिर करेंगे, क्योंकि पहले हमारे घर की ज़रूरतें पूरी करने की हमें सबसे ज़्यादा जल्दी है। बिल्कुल जेन्युइन है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन सेल्फ़ डेवलपमेंट पे सिर्फ काम ना करने की वजह से आप इस सारे मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो। तो दो दिन रुक के आप ये चेक कर लो क्या सीवी में इम्प्रूव करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, किन कंपनीज़ में अप्लाई करना है, किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, एचआर को कांटेक्ट करने का सही तरीका क्या है, जॉब क्राइटेरिया मार्केट में क्या है जिसकी बुनियाद पर आप सही अप्लाई कर सकें, जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या मैं क्वालिफाई करता हूँ उस जॉब डिस्क्रिप्शन पे, क्या मेरा कवर लेटर अकॉर्डिंगली बना है उस पोजीशन के ऊपर अप्लाई करने के लिए, तो आपको रिस्पांस लेवल डिफरेंट होगा। तो ये आपका फ़ायदा है, ये मेरा या किसी एम्प्लॉयर का फ़ायदा नहीं है। अपना वक्त ज़ाया ना करें, अपने रिसोर्स ज़ाया ना करें, अपनी एनर्जी ज़ाया ना करें, अपने लिए फ्रस्ट्रेशन का बायस ना बनाएं ये सारी हैसल। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप समझें सिस्टम को, पुराना तरीका नहीं रहा, रेफरल बेस पे जॉब्स नहीं मिलती। लोग कहते हैं कि रेफरल के बग़ैर जॉब नहीं मिलती, मेरा मानना है कि रेफरेंस के साथ जॉब लेने से बेहतर है आप ना पढ़ते, ना स्किल सेट हासिल करते, ना आप वो जॉब के लिए जाएं, इतना ये गलत तरीका कार है। तो ये करते करते आदत पड़ गई है सबको, तो इसको तोड़ना है, इसको ख़त्म करना है। आपने ये देखना है क्या पढ़ा है आपने, इतना अरसा मेहनत की, इतने पैसे लगाए, इतना टाइम लगाया और आपने एक डिग्री हासिल की, उसके बाद आपने कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं, कुछ स्किल सेट हासिल किया, उसके बाद भी आपको रेफरल से जॉब हासिल करनी पड़ रही है, तो ये लम्हा फिक्री है, सोचने की बात है। मुझे 18 साल हो गए काम करते हुए, मैंने ज़िंदगी में कभी भी 4 जॉब्स की, चारों में बग़ैर रेफरल के जॉब हासिल की। मैं कैसे मानूँ कि रेफरल से जॉब मिलती है, उसके बग़ैर जॉब नहीं मिलती? एक शख्स ने चारों जॉब रेफरल से ली, वो नहीं मानेगा कि विदाउट रेफरल जॉब मिलती है। तो डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस। तो खुदा रहा अपने ऊपर काम करें, मेहनत करें, अपने तरीके पे मेहनत करें, अप्लाई करने के तरीके पे। तो इससे आसान उर्दू में मैं आपको कैसे समझाऊं कि जो आपके पार्ट पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है उसको ठीक कर लें, ऑटोमेटिकली चांसेस बढ़ जाएंगे आपके जॉब हासिल करने के। कोई भी सवाल इससे रेलेवेंट आप पूछना चाहें, स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल कर सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब सर्च।